के दो विश्वविद्यालयों को कभी नहीं भूला जा सकता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सही है। अध्यक्ष महोदय, G20 के समय जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा की विरासत को पूरे विश्व के सामने सम्मान देने का काम किया, उसके लिए हम सभी बिहार के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एक युवा सांसद होने के नाते मुझे इस बात का भी आभास है कि जहां हमारी बढ़ती जनसंख्या, वर्तमान और भविष्य दोनों ही तरीके से यदि देखें तो जहां एक हमें अवसर दिख रहा है, वहां एक चुनौती भी है। और एक शिक्षित भारत ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना देख सकता है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को गर्व होता है कि आज गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या IBM हो, इन सब का नेतृत्व एक भारतीय कर रहे हैं। आज भारत पूरे विश्व को इंजीनियर और डॉक्टर्स देने का काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की देन है और इसी शिक्षा व्यवस्था को और भी मजबूती देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। बजट में घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है, जिससे प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई वाउचर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट में केंद्र विश्वविद्यालयों के अनुदान के लिए 4000 करोड़ से अधिक रुपये की वृद्धि की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15,928 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 2024-25 के अंतरिम बजट में इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट 23-24 में 1,12,899 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,20,627 करोड़ रुपये से 6.8% बढ़ा है। IIT को इस वर्ष 1,202 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष 841 करोड़ थे। NITs को 5,040 करोड़ दिए गए, जो पिछले वर्ष 4,820 करोड़ रुपये थे। अध्यक्ष महोदय, आम बजट भाषण 2024 में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नौकरियों को और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 खूबसूरत स्कीम जो लॉन्च की है, उस विषय पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें पहली स्कीम फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है, जिसके तहत 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 3 किस्तों में 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी। वहीं दूसरी स्कीम जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को EPFO जमा करने का आधार पर शुरुआती 4 सालों में इंसेंटिव दिया जाएगा, इससे 30 लाख युवाओं को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, तीसरी स्कीम सपोर्ट टू एम्प्लॉयर, इसके तहत इस स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने में मदद करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों के EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये का रिम्बर्समेंट करेगी। चौथी स्कीम पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, जिसमें नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल और कई तरह के वीमेन स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। पांचवी स्कीम स्किलिंग, जिसके तहत 20 लाख युवाओं को 5 साल में खाद स्किल से ट्रेनिंग किया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25,000 स्टूडेंट को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का काम करेगी। सरकार ने 2014 से 2024 तक 7 नए IIT और 7 नए IIM खोले हैं। देश में 3,000 नए ITI बनाए गए, 16 IIIs और 390 यूनिवर्सिटी शुरू किए गई है। और पिछले 10 सालों में हायर एजुकेशन में 28% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज विभिन्न स्टार्टअप्स के माध्यम से युवा विश्व भर में भारतीय ध्वज को ऊंचा उठा रहा है। पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा संस्थान में 11% की वृद्धि हुई है।
जिसमें सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 316 से बढ़कर 480 हो गई है, तकनीकी विश्वविद्यालयों की संख्या 90 से बढ़कर 183 हो गई है, अध्यक्ष महोदय, इन सभी के विकास और बेहतर शिक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से आज 5116 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 7.07 लाख छात्राएं पढ़ रही है और प्रधानमंत्री उन्नत भारत विद्यालय के माध्यम से 14,500 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस वर्ष 10,080 पीएम श्री स्कूलों के लिए 5,942 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक प्रमुख विषय जो बिहार का भी है उसको उठाना चाहूँगा, जो सेशन डिले का विषय है, जहाँ एक तरफ बिहार के हमारे नौजवान साथी शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयासरत है, वहीं पर यूनिवर्सिटीज़ का सेशन 3 साल के बजाय 5-5 सालों में पूरा होता है, जिससे वो अपने आगे आने वाली जो पढ़ाई है उसको पूरी ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाते। मैं चाहूँगा उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट हो, और क्योंकि ये बात बिहार की है और युवाओं की है, तो मैं कहना चाहूँगा कि बीज बोलो, फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, और आप दिशा दे दो, बिहार के नौजवान इस राष्ट्र को सवार कर देंगे। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र खगड़िया में अध्यक्ष महोदय एक यूनिवर्सिटी की मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ खगड़िया जो तकनीकी शिक्षा के लिए युवाओं के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग कर रहा है, मैं चाहूँगा इस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट हो अध्यक्ष महोदय। साथ ही साथ मैं जितने भी हाई स्कूल्स हैं उनको मॉडल स्कूल विद्यालय के रूप में आपके सहयोग से तब्दीली मिले, ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, और ज़्यादा नहीं कहते हुए अंत में बस यही कहता हूं कि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। इन्हीं चंद बातों से कहते हुए मैं शिक्षा की अनुदानों की मांग का पूरा समर्थन करता हूं, और फिर से आपका, शिक्षा मंत्री का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। माननीय सुधाकर सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज शिक्षा के क्षेत्र में संघीय बजट 2024-25 के बारे में अपनी ओर से और देश के नागरिकों की चिंताओं को साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट देश के शिक्षा के विकास के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई नहीं दे रहा। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में